दोस्तों तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लासिक्स के इंग्लिश के चैप्टर जो कि ये अब स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं तो हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें और मुश्किल चीज़ें मिलती हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन भाई इसके साथ देखिए क्या है, ये एक रेसलर है, मीन्स पहलवान है, जो कि जितना ज़्यादा वो दूसरे को हराता है वो सोचता है कि उससे ताकतवर कोई आदमी आए और उसको भी हरा दे। मतलब कि वो जितना ज़्यादा हो सके ताकतवर बनना चाहता था, ठीक है। जैसे कि हम लोग में ही कुछ होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो पढ़ें, मीन्स सबसे ज़्यादा तेज वही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो जो पहलवान था उसका नाम था विजय सिंह, बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर था, कुछ लंबा चौड़ा आदमी था। ये क्या है कि जितने भी लोग रहते थे इनसे भी लड़ाई करता था, सबको हरा देता था, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि जब ये बैठा हुआ था और मतलब दूध पी रहा था, तो आसपास में कुछ जवान जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा बैठ कर बात कर रहे थे। अब ये दूध पीने के बाद डायरेक्ट नहीं होता है कि बोलना शुरू कर देना, और ऐसा बोलता था कि खुद ही फंस जाता था अपने ही बातों में। तो ये क्या बोल रहा है कि लोग सब भूतों से क्यों डरते हैं, अरे उस भूत में क्या होता है जो उनसे सब डरते हैं, अगर मैं उस भूत के पास रहूँ ना, किसी भी भूत के पास, तो मैं उसको भी सबक सिखा दूँ। अब ऐसा वो बोल रहा होता है, तभी वहाँ पे जो आदमी से बैठे रहते हैं वो क्या कहते हैं कि कुछ देर रुक के फिर वो बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम जो है हॉन्टेड डेजर्ट में रात में अगर जाओगे तब तुम्हें वहाँ पर भूत देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। अब ये देखिए क्या है, ये तो पहले उसके बारे में बोलता है कि हाँ मैंने सुना है उस जगह के बारे में, अच्छा तो वहाँ पर जो जितने भी लोग जाते हैं वहाँ पर रात में, उनको या तो लूट लिया जाता है, लूटने के साथ मार भी दिया जाता है, मीन्स वहाँ पर जो भूत है वो उसको लूट लेता है और मार भी देता है। तो वो फिर पूछते हैं क्या तुम सही में जाओगे, और विजय सिंह का देखिए क्या होता है, अब वो सुनता है तो उसका हार्ट 1-2 सेकंड के लिए रुक जाता है, थोड़ा डर उसको भी लगता है, लेकिन अब क्या है उसने बातों बातों में कह दिया, आप अपना ताकतवर मतलब दिखाने के लिए वो कहता है कि हाँ मैं भी मतलब मैं वहाँ पर जाऊँगा, मैंने भी सुना है उस हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में और मैं वहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि ये सब तो कहानी है, झूठ मूठ की कहानी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, वो बात मतलब बोल देता है। अब देखिए क्या है कि वो जो लोग बताते हैं कि अगर तुम जैसलमेर की ओर जाने वाले वेस्ट दिशा में जो 10 मील उस जैसलमेर की ओर जाओगे, जैसलमेर की ओर, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो तुमको रेगिस्तान मिलेगा उसमें तुमको वहाँ पर क्या मिलेगा, तो भूत मिलेंगे, वहाँ पर एक भूत रहता है जो कि सबको मार देता है, ठीक है। वो अपना पूरा ताकत दिखाता है, विजय सिंह बोलता है कि नहीं मैं वहाँ पे जाऊँगा। अगले दिन क्या होता है, सभी लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि उसको विदा करने के लिए कि हाँ आप जाइए वहाँ पर, देखते हैं क्या मतलब बच के आने के लिए, नहीं होता है क्योंकि खुद तो एक तो होता है कि वहाँ पर लोग जाने से डरते हैं कि भूत, और ये वहाँ पर भूत जानकर भी जा रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत आती है, ठीक है, वो उसे एक पैकेट देती है, छोटा सा पैकेट है, उसको थमा देती है। वो जो बूढ़ी औरत रहती है वो मतलब नहीं होता है दिमाग के लिए थोड़ा मतलब नहीं एक्सपीरियंस होता है, कुछ सही काम जैसे करते हैं बूढ़े और लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए जानी जाती रहती है वहाँ पर। अब देखिए ये जा रहा होता है, ठीक है ना, जैसे जैसे अंधेरा और बढ़ते रहता है, सूरज सॉरी जो चांद रहता है उसका जो चमक रहता है वो भी बढ़ने लग जाता है, तारे दिखने लग जाते हैं क्योंकि डेजर्ट का प्लेस रहता है वहाँ पर, बादल तो जल्दी रहते नहीं है राजस्थान में। अब ये अपने डेस्टिनेशन मीन्स पहुंचने वाला था उस जगह पर जहाँ पे भूत रहता है, उससे पहले वो सुन मतलब वो सोचता है कि ये वुमेन ने क्या दी थी पैकेट में, वो ही ओपन इट एंड फाउंड नथिंग। वो देखता है उसको खोल कर, उस कुछ नहीं मिलता है, उसको एक अंडा मिलता है और नमक मिलता है। अब देखिए क्या है, वो जो वुमेन थी, भाई मैंने अभी कहा कि वो जानी जाती थी मीन्स अपने सोच के लिए और जैसे कि सब नहीं होता एक्सपीरियंस के लिए। अब देखिए यहाँ पर विजय सिंह जैसे ही उस हॉन्टेड डेजर्ट में कदम रखता है, मीन्स वहाँ पहुँचता है, वहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनता है, विजय सिंह क्या तुम इस जगह में खो जाओगे, इस डेजर्ट में तुम खो जाओगे, इसलिए आओ तुम मेरे साथ, मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नटवर। विजय सिंह इसको सुनता है, वो समझ जाता है कि ये घोस्ट है, लेकिन वो नहीं होता, थोड़ा तगड़े आवाज़ में कहता है कि हाँ मेरे दोस्त बताओ मुझे। फिर बोलता है कि मुझे तो तुम दिख नहीं रहे हो, तुम कहाँ पर हो, मुझे क्यों तुम नहीं दिख रहे हो, और यहाँ पर आओ। तो फिर वो नटवर जो रहता है भूत, वो आराम से वहाँ पर आ जाता है। अब देखिए क्या है कि वहाँ पर आने के बाद जो है, जैसे रेसलिंग मैच नहीं होता है कि वहाँ पर पहले तो अप्रिसिएट किया जाता है लड़ने से पहले, वैसे ये भी अपने आप का बताता है, अप्रिसिएट करता है, ठीक है ना। फिर जैसे ही वहाँ पर वो दिखता है, वो जो है उसके मुंह पे नहीं होता, मारने जाता है लेकिन नहीं मार पाता है उसको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, वो वहाँ पर जो भूत रहता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर अकेले जा रहे हो, तुम यहाँ पर ये हो जाओगे, खो जाओगे, आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू। लेकिन फिर बाद में ये क्या कहता है कि जो पहलवान रहता है ये कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाह रहा था, ठीक है ना। तो घोस्ट बोलता है कि अच्छा मतलब तुम मुझसे मिलना चाह रहे थे, मतलब यहाँ पर लोग मुझसे डरते हैं और तुम मुझसे मिलना चाह रहे थे। तो बोलते हैं कि हाँ तुम जैसा खराब भूत, मतलब कि बकवास भूत है, इससे अच्छा कि भूत ही ना, मतलब तुम जैसे भूत सब जो रहते हो उससे अच्छा भूत होना ही नहीं चाहिए, तुम लोग बहुत डरपोक हो, खराब हो, ऐसा बताता है।
फिर वो कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ। तो भूत बोलता है कि हाँ मतलब तुम मुझसे मिलने आए हो, ऐसा बोलता है, ठीक है ना। तो वो बोलता है हाँ, फिर भूत बोलता है, मतलब भूत उसको बोलता है कि तुम कैसे मुझसे मिला, बहादुरी का बताता है कि हाँ तुम बहादुर तो हो। तब विजय सिंह फिर बोलता है अपने बोरिंग से आवाज़ में कि हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग खाली एक स्टूपिड घोस्ट हो जो कि सिर्फ दिमाग पढ़ सकते हो कि दिमाग के अंदर क्या चीज़ है और तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम एकदम बेकार हो सब, वैसा कहता है और चुप रहता है। अब जो घोष रहता है वो भी शांत रहता है, भाई ऐसा हमको कैसे बोल रहा है। अब ये क्या करता है, वो एक पत्थर को उठाता है, उसके पास देता है भूत को, ठीक है ना। मतलब पहले तो सब बात उत कर लेता है, वो देख लेता है, ठीक है ना। मतलब उसको विजय सिंह को दोनों आदमी दूसरे से थोड़ा नहीं होता, विजय सिंह ऐसा दिखाता है कि उसे डर नहीं रहा एकदम कुछ नहीं। अब वो बोलता है कि विजय सिंह कि रुको मैं तुमको अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। तो अब पार्ट टू में आते हैं, मतलब कि अपने ताकत का तुमको बताता हूँ कितना मेरे पास ताकत है। वो एक पत्थर से वो पत्थर उठाता है और बोलता है देखो ये मेरे पास पत्थर है, और उसको पत्थर दे देता है। बोलता है लो इस, तुम पत्थर को तोड़ सकते हो, अगर तुम इस पत्थर को तोड़ोगे ना तो उसमें से कुछ फ्लूइड टाइप का निकलेगा अगर तुम इसको तोड़ोगे तो। तो भूत एक हाथ से पहले तोड़ना चाहता है, नहीं टूटता है, दोनों हाथ लगाता है फिर नहीं टूटता है। तो वो क्या करता है, उसे वो पत्थर ले लेता है और उस अंधेरे में ही उस पत्थर को गिरा कर अंडे को निकाल लेता है बाहर। सॉरी गिराता नहीं है, सॉरी, मतलब वो पत्थर को हाथ ही में रख रहता है और अंडे को भी बाहर निकाल लेता है। अंडे को बाहर निकालने के बाद उसको क्या करता है, क्रश करता है। पत्थर तो टूटता नहीं है लेकिन अंडा टूट जाता है। अंडा जैसे ही टूटता है तो उसमें से वही जो वो बोलता है फ्लूइड टाइप का निकलेगा वैसा निकलता है और नीचे गिर जाता है। उसको क्या करता है, अंधेरी रात में जल्दी से उसको जो एग सेल्स रहता है उसको छुपा देता है मीन्स बालू के अंदर, ताकि घोस्ट उसको देख ना पाए। अब घोस्ट क्या बोलता है कि मुझे तो साफ से दिखाई नहीं दिया कि तुमने ऐसे कैसा किया, ठीक है ना। तो ये बोलता है तुम कैसे घोस्ट हो जो तुमको रात में दिखाई भी नहीं देता है ठीक से। तो वो अपने हाथ को फिर क्या करता है, पूछ लेता है, साफ़ कर लेता है कि कहीं भूत को समझ ना आ जाए। अब देख क्या है, अब फिर एक और सा पत्थर उठाता है, फिर कहता है कि ये लो इस पत्थर को तुम तोड़ो, अगर तुम इसको तोड़ोगे तो इसमें से नमक जैसी नमकीन चीज़ निकलेगी। अब क्या है, भूत उसको भी ट्राई करता है तोड़ने का, अब उसको भी नहीं तोड़ पाता है वो। तो वो फिर दे देता है किसको, विजय सिंह को। विजय सिंह हाथ में पत्थर रखे रहता है और नमक भी साथ में रख लेता है और झूठ मूठ करने का क्रश करने का दिखाता है और नीचे की तरफ गिराता है, तो नमक गिरने लग जाता है। और उसके बाद क्या करता है, पत्थर को साइड में कहीं गिरा देता है अंधेरे में, भूत जो रहता है वो देख पाता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है, नमक को बोलता है लो टेस्ट करके देखो। तो वो टेस्ट करके देखता है तो बोलता है भाई तो सही है, ये तो नमक ही है। तो भूत को मतलब ये जायजा हो जाता है कि देखो विजय सिंह बस कितना पावर है जो कि इस तरह के वो पत्थर को रोज़ तोड़ता रहता है। नहीं, भूत तो कहता है कि ठीक है मुझे तो कुछ सीख से दिखाई नहीं दे रहा, तुम ऐसे कैसा कर ले रहे हो। फिर भूत बोलता है कि मैं इसे ऐसे हरा नहीं सकता हूँ, कि जितना ताकतवर है अब उसको खुद के पावर पे शक होने लग जाता है कि मैं इसको हरा नहीं सकता हूँ। तो बोलता है कि इसको कुछ चलाकी करके ही मारना पड़ेगा। तो बोलता है चलो मेरे वहाँ पर एक गुफा के टाइप, बोलता है कि चलो वहाँ पर रात हो गया है तो तुम क्या इतने परेशान हो गए, चलो उसके अंदर सोना। और फिर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है कि तुम चलो अंदर और मैं तुमको मार डालूंगा। जो विजय सिंह रहता है वो समझ जाता है कि ये क्या चाह रहा है मारना, क्योंकि सब तक बताए रहते हैं। तो अब क्या होता है, ये चल जाता है, विजय सिंह अंदर चल जाता है, ठीक है ना। अंदर जाने के बाद वो क्या करता है कि वहाँ पे सोता नहीं है, ठीक है ना। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, भूत आता है, ठीक है। और भूत आने के बाद क्या होता है कि मतलब पहले तो वो अंदर जाने से पहले, घर में अंदर जाने से पहले बोलता है कि जब भूत को कि जब तुम इतना मुझे बोल रहे हो तो मैं अंदर चले जाता हूँ। अंदर जाता है, कुछ देर के लिए सोता है दिखाने के लिए, दोनों आदमी दूसरे दूसरे साइड में सो जाते हैं कमरे में। फिर चुपचाप निकल के वहाँ से हट जाता है, उसमें पिलोज हो गए और कुछ रेसलिंग के जो सामान होते हैं ना उनको वहाँ पर डाल देता है और साइड में छुप जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे वो फोटो में दिख रहा है, भूत आता है बैट लेकर एक टाइप का, ठीक है ना, मतलब। और उसके बाद उसको मारना शुरू करता है बेड के ऊपर। वो मारता है तो ऐसा नहीं कि उसको आवाज़, वो क्या सोचता है कि मैं इसके हेड पे मारूंगा, सीधे सिर पे मारूंगा और ये पहली बार में ही मर जाएगा। हेड पे मारता है, फिर सोचता है कि नहीं क्या पता ये मरा हुआ कि नहीं, तो उसको कस के एकदम तेजी में और 6 हिट देता है, मीन 7 हिट हो गए टोटल। देने के बाद वो बोलता है चलो अभी तो मर गया होगा। मतलब वो भूत इतना उत्साही रहता है उसको मारने के लिए कि वो ये भी नहीं सोचता है कि उसके अंदर से आवाज़ आ रहा है कि नहीं, कि वो मारने पर किस टाइप का आवाज़ आ रहा, नहीं होता है बोन्स पर लगने पर अलग आवाज़ आता है और पिलोस पर लगने पर अलग। तो वो इस सब कुछ नहीं समझता है और मार के वहाँ से चला जाता है और सोचता है सो जाता हूँ आराम से, आके सोने चल जाता है। अब क्या होता है, चुपचाप विजय सिंह वापस आता है, सब चीज़ को साइड करता है और अंदर सो जाता है। फिर इस तरह उठते हुए ऐसे कहता है, मतलब नहीं होता है, उसको लगता है कि बहुत नींद में से उठा है। फिर बोलता है, नटर सोचता है कि भाई अभी इतना शोर कहाँ से हो रहा है। उठ के बाद वो देखता है कि अरे ये क्या, विजय सिंह कैसे बच गया। अब उस तरह बोलता है विजय सिंह यार कि तुम्हारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, मुझे देखो रात में परेशान कर दिए इन कीड़ों ने। यार मैं मुझे महसूस हुआ था कि कोई 7 लगभग कीड़े जो हैं वो मेरे बॉडी के ऊपर मतलब अपने पंख से मार रहे थे, मतलब बॉडी में पंख के जो नहीं होता है आके टच कर रहे थे उनके पंख। तो इस तरह से कहता, अब सेम यही चीज़ सोचता है नेटवर्क, अरे भाई मैंने भी इसको इतने ही, मैंने भी इसको 7 हिट दिए थे और इसको लग रहा है कि कोई इसको कीड़े मकोड़े ये कर रहे हैं, मतलब मार रहे हैं। अब वो डर जाता है, ठीक है।
अब क्या होता है कि वो डरने के बाद बोलता है विजय सिंह कि चलो अब मुझे चलना चाहिए। फिर वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद मतलब पहले तो ये बताया था कि देखो तुम्हारे यहाँ कितने इंसेक्ट है करके मतलब बताता है। वो भी सोचता है कि भाई इसका बहुत पावर है, मैं इसको नहीं हरा पाऊँगा, भूत सोचता है, और उसको जाने देता है। वो चला जाता है वहाँ से, गाँव जाता है। गाँव में जाने के बाद जो कुछ नहीं जवान आदमी जो बैठ कर बात कर रहे थे, जो जिन्होंने ये बताया था, जो वो देखते तो भाई वो भी अचंभों की कैसे कर लिया इसने। लास्ट में वो जो है उसी में से किसी एक जो रहती है मतलब आदमी, देखिए यहाँ पर इट मतलब ना, ही वेंट टू द ओल्ड वुमेन, थैंक्ड हर फॉर इनवेल्युएबल गिफ्ट। मीन्स वो फिर उसी औरत के पास जाते हैं, ठीक है ना, और देखता है कि बोलता है कि चलो थैंक यू आपके, आपने जो मुझे वो दिया ताकि मैं बच सका, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या बोलता है कि आप मुझे अपनी जो ग्रैंड डॉटर मीन्स जो पोती है उनसे मतलब उनका हाथ मांग लेता है पोती का, मतलब शादी करने के लिए। अब जो है विजय सिंह जो है मतलब वो अब पूरा केयरफुल हो गया होता है, मतलब नहीं तो सतर्क हो चुका होता है, पूरा जान चुका होता है कि चलो इतना ही होता है कुछ, कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए करके। और उसके बाद फिर वहाँ से जो भी फिर लोग वहाँ से ट्रैवल करना शुरू किए हैं, ठीक है ना, मतलब उस जगह से, रूट से, हंटेड एरिया से, तो अब कोई वो जो भूत था वो किसी को परेशान नहीं करता था, क्योंकि वो पहले से डरा हुआ था कि भाई विजय सिंह के अगर आ जाएगा इन्होंने कुछ मतलब उसको पता चल गया तो वो आके मुझे मार देगा ऐसे करके, वो भी डर गया था, इसलिए वो किसी को परेशान नहीं कर रहा था। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था ये पूरा समाप्त होता है। मैंने इसका एक समरी आपको दे दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।